हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिस्कवरी लेवल अप में। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं नारनौल शहर में एक ऐसे महल में जो कि बीरबल का छत्ता के नाम से जाना जाता है और यह महेंद्रा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसा कि सुनने में आया है कि इसकी कुछ खास बातें हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इस विशाल महल का निर्माण बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। 1628 से 1658 ईस्वी के बीच नारनौल के दीवान राय बाल मुकुंदास द्वारा इसे बनवाया गया। इसमें 5 मंजिला इमारत है जिसमें कई सभा मंडप, कमरे और खेमे आते हैं। बताया जाता है कि इस महल से 3 सुरंगें निकलती हैं, एक नारनौल से दिल्ली, एक नारनौल से जयपुर और एक नारनौल से महेंद्रगढ़ को जाती हैं, जो कि कुछ खुफिया कामों में यूज की जाती थी। अभी ये तीनों सुरंगें बंद कर दी गई हैं और इस महल के कुछ कमरे भी खराब हालत होने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। यह जो आप देख पा रहे हैं यह इस महल का एंट्री गेट है और इस महल को बनाने के लिए काफी अच्छे पत्थर का प्रयोग किया गया है जो कि 350 साल के बाद भी बिल्कुल सही कंडीशन में नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम आपको इस महल के अंदर ले चलते हैं और एंट्री करते ही हमें एक सुंदर कारीगरी किया हुआ गुंबद दिखाई दे रहा है। इसमें लाइटिंग के लिए छोटे छोटे जरोखे भी बनाए गए हैं। महल की कुछ दीवारों पर मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी की गई है जो कि देखने में बहुत ही आकर्षित लगती हैं। और यह जो आपको आर्क नज़र आ रहा है यह मुगल काल की शैली है जो इस महल के कुछ हिस्सों में दर्शाई गई है। और अब हम महल के सेंटर में पहुंच चुके हैं जिसकी चारों दिशाओं में आपको सभा मंडप दिखाई देंगे। यहाँ पर समय समय पर बैठकें होती थी। तो चलिए अब हम आपको सभा मंडप के अंदर का व्यू दिखाते हैं। यह सभा मंडप काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आसानी से इकट्ठा हो पाते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी समय से देखभाल ना होने की वजह से इसकी छत की लकड़ियाँ टूटकर नीचे गिरनी शुरू हो गई हैं। इस महल के जितने भी पिलर और फरश आपको नज़र आएंगे इन सभी में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पत्थर माना जाता है और इसी वजह से आज भी इस महल के पिलर काफ़ी अच्छी स्थिति में मौजूद हैं। इस महल के कुछ कक्षों में ऐसे पिलर भी हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी खास बात यह है कि इसमें कुछ लकड़ी के बने हैं और कुछ पत्थर के, लेकिन इन पर कारीगरी बिल्कुल एक जैसी की गई है। अब हम इस महल के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जो कि महल की 5वीं मंजिल माना जाता है। यहाँ से आपको पूरा महल और पूरा नारनौल शहर काफ़ी सुंदर नज़र आएगा और यह आपको नारनौल शहर के पीछे की तरफ वह जो धुंधला सा नज़र आ रहा है वह डोसी की पहाड़ी है जो कि हरियाणा में अरावली हिल्स की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। यह जो कुआँ है यह इस महल के दक्षिणी पूर्वी भाग में मौजूद है जिसे पूरे महल में पानी की आपूर्ति रहट शैली द्वारा की जाती थी। अभी हम आपको कैमरा रोल करके इस महल के कुछ ऐसे हिस्से दिखा रहे हैं जो कि नीचे की बजाय ऊपर से कुछ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम इस महल के अंडरग्राउंड में जा रहे हैं जहाँ बताया जाता है कि रानी का स्नान गृह है जिसमें झरने द्वारा पानी आता था। इस महल के बारे में जितना हमें नॉलेज थी
आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपको आने वाले टाइम में ऐसी ही कुछ और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें।